तो यार प्रीवियस वीडियो मैंने फौजी गेम के अचीवमेंट के बारे में बताया था कि यार प्ले स्टोर पर उसने 1 मिलियन से भी ज़्यादा का यार प्री रजिस्ट्रेशन किया है, जो कि अब तक इंडिया में 24 आवर्स में हुए रजिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा है और ये एक नया रिकॉर्ड भी है। और लोगों को अब वेट है गेम का, लेकिन उसके साथ ही गाइस पबजी गेम भी जैसे कि हमारा आने वाला है यार, उसके लेकर यार मतलब कि कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं आ रही है, बट यार र्यूमर्स बहुत ही ज़्यादा फैल रहे हैं। और उसी में से यार एक जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है गाइस, उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे पबजी मोबाइल जो है गाइस वापस कर सकती है इंडिया में। पबजी मोबाइल इंडिया के रिलीज़ को लेकर यार जो भी प्रोसीजर फॉलो करने थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ रेडी हो चुके हैं, बस एक फाइनल मीटिंग होनी बाकी है। लेकिन गाइज ये जो फाइनल मीटिंग है गाइज ये नहीं हो पा रही है। ये मीटिंग होनी थी दो पार्टीज के बीच, जो कि हमारी एक पबजी मोबाइल इंडिया है और दूसरी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। तो यही मीटिंग गाइज हो नहीं पा रही है और इसका रीज़न ये है कि यार यहाँ पर जो पबजी मोबाइल इंडिया के साथ जो मीटिंग है गाइज वो अप्रूवल ही नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए यार डिले हो रहा है। दो पार्टीज़ के बीच कोई मीटिंग होती है, मतलब कि पबजी मोबाइल इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड IT की मीटिंग होती है, वहाँ पर पबजी को अनबैन करने से मना कर दिया जाए वो एक अलग बात है, लेकिन यार जो अपनी पबजी है गाइज उसको अपना बात रखने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। और यार ऐसे में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि जो पबजी है गाइस, पबजी कॉर्पोरेशन हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है। सेम ऐसा ही ड्रीम इलेवन ऐप के साथ भी हुआ था, उस पर भी बैन लगाने के लिए बोला गया था, लेकिन गाइस वो ऐप सीधे हाई कोर्ट के पास गई और वहाँ पर गाइस राजस्थान हाई कोर्ट ने यार पहले ऐप को चेक किया, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ये ऐप एक स्किल गेम है सिर्फ, मतलब कि स्किल्स के लिए, इसको बैन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और गाइस सेम ऐसा ही पबजी मोबाइल भी अप्लाई कर सकती है, केस कर सकती है, क्योंकि यार पबजी कॉर्पोरेशन अब इंडिया में रजिस्टर्ड हो चुकी है, एक इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी बन चुकी है। तो गाइस उसके पास पूरा का पूरा हक है कि वो जो है अपने लिए गाइस हाईकोर्ट तक जा सके। पबजी मोबाइल का रेवेन्यू पूरा एक साल का 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि ड्रीम इलेवन से बहुत ज़्यादा है। तो यार जितना हम लोग वेट कर रहे हैं गेम का, उससे ज़्यादा मतलब कि वेट जो है यार रिलीज़ करने के लिए पबजी मोबाइल वाले कर रहे हैं। तो यार देखते हैं क्या होता है, अभी तो फिलहाल वेट कर सकते हैं। आई होप कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी से मीटिंग फिक्स हो जाए, वरना अगर मीटिंग फिक्स नहीं होती तो गाइज एक ही ऑप्शन बचता है कि पबजी मोबाइल इंडिया वाले गाइज हाईकोर्ट तक जाएंगे। तो आई होप कि यार वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर कोई और न्यूज़ मिलती हो तो यार तुम लोग को उसके बारे में भी इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।